Hi guys, this is Ishaan and you're watching Bhai Ka YouTube channel. So, Bhai log, kaise ho aap sab log? I hope अच्छे ही होंगे बिल्कुल मेरी तरह. और आज मैं आपको ले जाऊंगा मुरथल अमरिक सुखदेव. और उससे पहले दिखाता हूं अपना जो मैंने स्टील बर्ड एयर का हेलमेट जो मॉडिफाई करा है. तो चलो ये देखो, जो नॉर्मल स्टील बर्ड एयर का हेलमेट होता है वो ऐसा दिखता है, पर मैंने इसमें एक्स्ट्रा ये लगा दिया है जिससे बड़ी स्पोर्टी लुक दे रहा है. बेसिकली जो महंगे वाले हेलमेट होते हैं जैसे SJC वगैरह के, उनमें पीछे स्पॉइलर लगा होता है. बस वही स्पॉइलर जैसा लुक देने के लिए मैंने ये लगाया है. मेरे को तो बड़ा सेक्सी लग रहा है, और बाकी आपको जैसा लग रहा होगा कमेंट्स में बताना ज़रूर. और बाकी इसे अभी पहन के चलते हैं मुरथल, और रास्ते में जो वीडियो बनेगी उसमें देखना पहनने के बाद कैसा लगता है. सब्सक्राइब कर रखा चैनल? कर रखा है? देखता है वीडियो? पिछली वीडियो कौन सी देखी? जय फिल्म वाली. अरे चल फिर अगली, मैं खुद को देखी हूँ. ठीक है, ओए होए होए होए, जो असली मजा घूमने का है ना भाई, राइड करने का है, वो ऐसे ही मौसम में है. और बारिश हो रही है सुबह से, तो आज राइडिंग गियर नहीं पहनेंगे, एक अच्छा राइडर बन के जाएंगे. और ये रहे अपने राइडिंग पार्टनर्स. लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. अभी आगे से एक और भाई को पिक करना है, पर वो बाइक नहीं ला रहा अपनी, तो वो पिलियन बन के बैठेगा. तो फाइनली पिक कर लिया भाई को, और कैमरा भी पकड़ा दिया है भाई के हाथ में, क्योंकि इन सब की वीडियो तो मेरे एक्शन कैमरा में बन जाएगी, पर मेरी वीडियो बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना भाई. तो भाई बनाएगा मेरे जितने भी सिनेमेटिक्स आएंगे. वो सेंटर पे अगर आपको दिख रहा होगा तो वो है सिग्नेचर ब्रिज. अभी वहाँ से निकलेंगे तो आपको दिखाता हूँ. ये ब्रिज बनाया गया है यमुना रिवर के ऊपर, और इसकी हाइट है 165 मीटर. गाइस इमेजिन कर लो कितना बड़ा होगा ये. और ये है यहाँ वजीराबाद एरिया में. तो यहाँ पीछे रुके थे हम फ्यूलिंग करवाने, फ्यूलिंग करवा ली है और बाइक एक्सचेंज कर ली है मैंने विवेक से. तो थोड़े से अब स्पोर्ट्स बाइक के भी मज़े ले लेते हैं. आगे हाईवे में चल के देखते हैं इसकी कैसी परफॉर्मेंस है, और तब तक एंजॉय करो सिनेमैटिक्स. Seriously man, 150cc के हिसाब से इट्स अमेजिंगली पावरफुल मशीन. और 6 गियर डालता तो 140 तक या 145 तक तो चली जाती, बट मेरे फादर कहते हैं कि स्पीड उतनी रहनी चाहिए जितनी हम इमरजेंसी में कंट्रोल कर सकें, इसलिए आराम से ही ज़्यादा चलाना प्रेफर करता हूँ मैं. अब यहाँ पे एक स्टॉप लेंगे और बाइक करेंगे वापस एक्सचेंज, क्योंकि मेरे हाथों में हो रहा है बहुत दर्द. अभी दिखाता हूँ आपको कैमरे में कैसे हो गए हैं हाथ. भैया कैसे चलाते हो इस मोबाइल को? हाथ देखो भाई, हाथ ऐसे हो गए जैसे किसी ने डंडे मार मार के सजा दिए हो. तो भाई स्पोर्ट्स बाइक तो अपने बस की है नहीं, इसलिए अभी यहाँ पे रुके हैं और थोड़ा फ़ोटो वोटो ले रहे हैं, क्योंकि लोकेशन बहुत प्यारी थी. और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो वो फोटो आपने कल ही देख ली होगी, और अगर नहीं फॉलो करते हो तो जल्दी से कर लो, यहाँ पे यूजर नेम आ रहा होगा.
ऐसे राइड के बीच में कहीं रुको तो एक बार पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए कि कोई सामान तो नहीं रह रहा। तो आप निकल गए हैं यहाँ से और मिलते सीधा मुरथल में। पीछे थोड़ा भटक गए थे हम, एक्चुअली आगे ज़्यादा चले गए थे, फिर यू टर्न लेके आए हैं। तो अब लगाते हैं जल्दी से बाइक पार्किंग में और चलते हैं खाने। तो भाई बहुत भटक गए इधर उधर, अब फाइनली पहुंच गए हैं हम अमरिक सुखदेव। एक ही बात है भाई, बस सही जगह होनी चाहिए, नाम में क्या रखा है। और ये हमारे पीछे हर सिग्नल भी था राइडर। अब चलते हैं अंदर कुछ खाते हैं क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख। हाँ भाई लोडो राइडर अलवी जी, कैसी रही राइड आज की? राइड हमारी बहुत अच्छी रही है, थोड़ा तेज बोलो। राइड हमारी काफी अच्छी रही है, ईशान भाई के साथ फर्स्ट टाइम राइड किया है, काफी मतलब मजा आया बहुत ज्यादा। और अभी हम इस वक्त अमरिक सुखदेव पे बैठे हैं विवेक के साथ। मास्टर जी क्या क्या ऑर्डर करा है? मैंने मंगाए हैं 2 आलू प्याज पराठे और 2 प्लेट छोले भटूरे। ठीक है भाई, जैसे ही आता है हमारा खाना वैसे ही आपको दिखाऊंगा सिनेमैटिक्स तगड़े वाले, और फिर खाना खाने के बाद देंगे उसका रिव्यू कैसा था कैसा नहीं था। तो आने दो फिर करते हैं फन। और ये हमारे हरिओम भाई, इन्होंने भी आते हुए बहुत सिनेमैटिक्स लेने में मदद करी, वेग के पीछे यही भाई बैठे थे। थैंक यू ब्रदर, जाते जाते भी लेना। ठंडा हो गया है, ज़्यादा लग रही है। हाँ घर जाके खा लेना। नहीं यार पैक करा देते हैं। नहीं पक्का लगा ली। तो भाई अब आ गया है पराठा आलू प्याज का, और बटरिंग देख लो देसी मक्खन है, और साथ में रायता लिया है। अब हमारे हसीन भाई खा के बताएंगे कैसा है। नहीं है अच्छा? नहीं है बहुत अच्छा है। अच्छा है पक्का? 1:40 भाई अभी खाना हो गया कंप्लीट, अब मंगाइए रसमलाई, देखते हैं खा के कैसी है, उसके बाद और आगे देखते हैं जो करना होगा। आज ये अमीर आदमी बिल देगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, बिल भी देना है भाई। बिल तो मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत ना, लाओ पैसे दो। जब पैसे देने ही है तो एक बूंद भी क्यों छोड़े। तो चलो अब चलते हैं यहाँ से और बाहर देखते हैं, अगर कुछ अच्छा खाने का मिला तो बाहर खाएंगे, नहीं तो फिर निकलते हैं घर को। और ये रहा अपना सेक्सी वाला हेलमेट, कैसा लग रहा है भाई? अपना मेहनत किया तो भाई अच्छा लगेगा, यहाँ भी सारे देख रहे हैं कि भाई है तो स्टील बर्ड का पर इतना अलग लुक कैसे दे रहा है। इस भाई ने बिल दिया, ये भाई हमारा टिप देगा, टिप दे रहा है, मजाक कर रहा है भाई। क्या नाम बताया? तो भाई खाना वाना हो गया सब, अब बाहर आ गए हैं, यहाँ पे देखते हैं कुछ अच्छा मिल जाता है तो ठीक है, वरना चलते हैं फिर यहाँ पे। I want, 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 I want,
भाई लोग अभी हम हैं ईपीई हाईवे पे। आते हुए हम सिग्नेचर ब्रिज से आए थे पर कई जगह हमें जाम भी मिल गया था, तो अब जाते हुए इस रास्ते से जाएंगे। और अभी गूगल मैप में देखा था हमने तो ये वाला रास्ता है भी उससे छोटा, वो 65 किलोमीटर अराउंड पड़ा था हमें, ये कुछ 40 के आसपास है। एक नंबर हाईवे भाई, एक नंबर हाईवे। और हरियाली देखो कितनी तगड़ी वाली है, और स्पेशली रिकमेंडेड है सुपर बाइकर्स के लिए जो संडे राइड पे मूर्थल वगैरह जाते हैं। एक बार यहाँ से गुजर के देखो, प्यार हो जाएगा भाई सबको रोड से। अपने पास तो सुपर बाइक है नहीं भाई, तो अपनी इस 56 छुरी को ही खींच के देखते हैं एक बार। चल गई धन्नो। R15 को पीछे छोड़ दिया यार, 120 टॉप स्पीड है इस टाइम इसकी। मजा ही आ गया भाई आज तो सही में, सीरियसली मजा आ गया। 120 की स्पीड पहुंच गई थी पर पता नहीं लग रहा था बिल्कुल कि 120 पे है। वो तो अलॉय व्हील्स वगैरह भी लगा रखे हैं मैंने इसलिए, और उसके आगे नहीं बढ़ी वरना 130 तक तो पहुंच ही जाती है थी। तो इस खूबसूरत नज़ारे के साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, फिर मिलेंगे चलते चलते।